अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी, उसमें हमने कल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर स्टार्ट किया था। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, तो यहां पे हमने डिफाइन किया था लाइट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसी तरह फिर हमने देखा था इमेज हम कैसे डिफाइन करेंगे, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर देखा था, वहां पे आपने देखा था इमेज फॉर्म्ड कैन बी रियल और वर्चुअल, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सो वहां पे हमने देखा था कि लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये भी हमने देखा था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। सो उसके बाद हमने वहां पे कुछ एक्सरसाइजेस भी की थी, सो नाउ विल कंटिन्यू विद इट। हम इसकी एक्सरसाइज है वो भी कंटिन्यू ही करेंगे। सो लेट्स सपोज यहाँ पे अभी फिलहाल हम इमेज फॉर्मेशन पे ही देखेंगे कि हाउ इमेज इज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर। सपोज ये यहाँ पर है प्लेन मिरर, अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बी, इसकी इमेज कैसे बनेगी इन दिस प्लेन मिरर। तो हमें पता है यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट ए लेंगे, ये पॉइंट ए, इसकी जो इमेज बनेगी वो एक लाइन पे लाई करेगी विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो लेट्स सपोज फिर जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस यहाँ तक भी होगी, तो ये होगा ए डैश इमेज ऑफ ए। सिमिलरली बी पॉइंट नीचे है, इस बी पॉइंट की इमेज हम देखेंगे वो भी लाई करेगी एक लाइन पे विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। जितने डिस्टेंस पे बी है उतनी डिस्टेंस पे वो इमेज भी आएगी, सपोज ये है बी डैश, तो फिर यहां से जो बाकी पॉइंट्स है ए टू बी जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहां पर इस लाइन पर लाई करेंगे, तो इस तरह से ए बी की इमेज बनेगी बाय प्लेन मिरर। अब इसी तरह मुझे इसका बता दीजिए आप, अगर ये प्लेन मिरर है जी, अगर ऐसे है ए यहां पर है बी, अगर हमें इसकी इमेज बतानी हो कैसे बनेगी, तो हमें पता है यहाँ पर फिर से ए की इमेज जितनी डिस्टेंस पे ए है जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस यहाँ तक भी होगी ए डैश, फिर यहाँ से बी से लाइन आप ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, जिस डिस्टेंस पे है बी यहाँ से यहाँ तक उतनी डिस्टेंस पे आप इसकी इमेज रखेंगे, ये होगा बी डैश, बाकी जो पॉइंट्स है ए बी पर उनकी इमेज जो है वो इस लाइन पर लाइन करेंगे, इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है ये प्लेन मिरर, अगर अब यहां पे सपोज पी है, पी की आपने इमेज बतानी है, तो आप क्या करेंगे, सपोज मैं दो तीन पॉइंट्स पे नोट करूंगा, एक दो तीन, सपोज वन टू थ्री, सपोज ये है फोर्थ, ऐसे ये पॉइंट्स में लेता हूं, पहले पॉइंट वन की जो इमेज आएगी जिस डिस्टेंस पे ये वन है उसी डिस्टेंस पे इसकी इमेज आएगी, सो अराउंड ये होगा वन डैश, फिर टू ये होगा टू डैश, ये थ्री ये होगा थ्री डैश, तो ये यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे जो वन टू थ्री से हैं, तो फोर है यहाँ पे, तो ये जिस डिस्टेंस पे ये फोर है यहाँ से यहाँ तक उसी डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी आएगी, सो इट इज फोर डैश, तो फिर ये ऐसे आएंगे बाकी पॉइंट्स, इस तरह से इस पी की इमेज बनेगी बाय दिस प्लेन मिरर। सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बना सकते हो बाय दिस प्लेन मिरर। आपने खाली इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है, दो पॉइंट्स याद रखे आपने, पहला पॉइंट ये है कि लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, दूसरा पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इक्वल द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर निकाल सकते हो। सो ये तो कुछ बेसिक था इसमें। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ ऐसे एक प्लेन मिरर है, जैसे मैंने कल भी बोला था फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इधर है, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बतानी है कहाँ पे होगी, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। देखो यहां से कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगी,
कोई लाइन इसमें परपेंडिकुलर नहीं आएगी, इस पर लाइट रे ये लाइन परपेंडिकुलर आती है। नॉन नेसेसरी इट शुड टच द मिरर, जरूरी नहीं कि ये इसको टच करे, ये ऐसे है। तो फिर आपने क्या करना है, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी आएगी। तो ये है इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी। फिर अगर आप रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम के लिए मिनिमम मिनिमम, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन बतानी होगी तो उसके लिए मिनिमम हमने दो रेज चाहिए होती है। तो लेट्स सपोज एक रे मैं ऐसे लेता हूं, ऐसे, तो यहां पे मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकता हूं, तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी रे मैं यहां से ऐसे लेता हूं, सपोज दूसरे एक्सट्रीम पे मैंने लिया, तो यहां पर भी आप क्या ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होंगे, तो ये ऐसे निकलेगी, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ ये देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से ऐसे आती है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यहां से ऐसे जा रही है। नाउ इस साइड में अगर आप देखेंगे दीस टू रेज विल नेवर मीट, इस साइड में कहीं पर मीट नहीं करेंगे। सो अब हमें लगेगा जैसे ये रे और ये रे, दिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से आ रही है, सो इसके ये पॉइंट जो है यहां पे ये बनेगी इमेज इस ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। नाउ मेरा मकसद ये ऑलरेडी हमने किया था, यहां पर हमारा मकसद इमेज फॉर्मेशन नहीं था, मकसद यहां पे हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन यहां पे बैठा हुआ है, अगर कोई पर्सन यहां पे बैठा हुआ है, सपोज ऐसे एक पर्सन बैठा हुआ है, क्या वो इसकी इमेज को देख सकता है? एक पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, वो इसको ऑब्जर्व करता है, इस मिरर को, क्या इस इमेज को वो देख सकता है? नहीं देख सकता है। ऑनली द पीपल आर द ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में है, अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में है, यहां पर, यहां से यहां तक, क्योंकि बाकी रिफ्लेक्टेड रे सारी इसी रीजन में आएंगी, ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज इसी रीजन में आएंगी जो इस ऑब्जर्वर को स्ट्राइक कर सकती है। सो अगर इस रीजन में ऑब्जर्वर लाई करता है यहां से यहां तक तो वहां पर वो इसकी इमेज को देख सकता है। अगर वो इससे बाहर है ऑब्जर्वर या इससे बाहर है ऑब्जर्वर तो इसकी इमेज को नहीं देख सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फील्ड ऑफ व्यू, इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मैं दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे सपोज ये है हमारे पास एक मिरर, जैसे मेरे पास एक मिरर है, तो अगर आप देखना चाहते हो ये है ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट ये है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? तो हमने पता है इमेज कैसे बनेगी, हम एक लाइन ड्रा करेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये लाइन है परपेंडिकुलर टू द मिरर, जिस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। सपोज ये बनी इमेज इसकी। अब अगर आपने फील्ड ऑफ व्यू इसका देखना होगा, इसके लिए इस इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू अगर आपने देखना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने दो रेज चूज करनी होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से आप दो रेज चूज करेंगे टू द एक्सट्रीम्स ऑफ द मिरर, इस मिरर के एक्सट्रीम्स पे वो दो रेज लेनी है आपने। एक रे यहां पर ऐसे आएगी इस एक्सट्रीम पे, तो यहां पे आप ड्रा करेंगे नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलेगी। दूसरी रे आप इस एक्सट्रीम पे ड्रा करेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऐसे, तो यहां पर फिर से आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो ये यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगी, उधर से निकलेगी। नाउ अब जरा देखो, ये एक एक्सट्रीम की रे है, ये दूसरे एक्सट्रीम की रे है, तो ये रीजन आएगा इनके बीच में, ये रीजन, ये आएगा फील्ड ऑफ व्यू। दैट मींस अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में लाई करता है, इस रीजन में अगर ऑब्जर्वर लाई करता है तो वो इसको देख सकता है, इसकी इमेज को। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, अगर यहां पर है ऑब्जर्वर यहां से, अगर यहां पर है ऑब्जर्वर, तो इनके लिए ये इमेज जो है ये इनविजिबल होगी। सो खाली जो ऑब्जर्वर्स इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे होंगे उनके लिए ये विजिबल होगी ये इमेज, बाकी जो इसके बाहर है या जो इसके बाहर है उनके लिए ये इमेज जो है वो इनविजिबल होगी।
So although image बनेगी, image all the circumstances में बनेगी, लेकिन कभी ये दिखती है कभी नहीं दिखती है. अगर हम field of view में रहेंगे तो हमें दिखेगी image, अगर हम field of view से बाहर है तो हमें image नहीं दिखेगी. So this is how we determine कि कहाँ पे image दिख सकती है और कहाँ पे image नहीं दिखेगी. For example, इसी तरह और एक example मैं लेता हूँ ताकि clear हो जाए. So let's take example like this. ये मिरर है मेरे पास, ये प्लेन मिरर मैं लेता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज आपने बतानी है और इस मिरर का या इसकी इमेज का फील्ड ऑफ व्यू आपने देखना है. तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रा करूँगा परपेंडिकुलर टू द मिरर. देखो इधर से कोई लाइन इसमें परपेंडिकुलर नहीं आएगी, तो एक ही लाइन जो इसमें परपेंडिकुलर होगी वो ऐसे आएगी. नॉट नेसेसरी इट शुड टच द मिरर. ये लाइन परपेंडिकुलर आती है इधर मेरा, तो ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर आती है इस मेरा, तो इसके इमेज इसी लाइन पे आप लाई करेंगी. अब ये आपने देखना है कहां पे लाई करेंगी, फिर उसके लिए आप देखिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है इन फ्रंट ऑफ द मिरर वही डिस्टेंस इमेज की होगी बिहाइंड द मिरर. तो ये इसकी इमेज बनेगी, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओ नाउ अगर आपने इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना होगा, यानी किस रेंज में ये इमेज दिखेगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट से दो रेज लेंगे टू द एक्सट्रीम्स ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट से आप दो रेज लेंगे एक्सट्रीम्स ऑफ मिरर पे. सो एक रे ऐसे आएगी इस एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे लार्जर रिफ्लेक्शन होल्ड होंगे, तो ये रे यहाँ पर ऐसे निकलेगी. ओके, दूसरी रे आप इस ऑब्जेक्ट से लेंगे, दूसरी रे आप ऑब्जेक्ट से लेंगे टू द अदर एक्सट्रीम ऑफ द मिरर. तो ये मैं यहाँ पे इस एक्सट्रीम पे ये रे इंसिडेंट करता हूँ, तो यहाँ पर फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होंगे, तो ये यहाँ से ऐसे निकलेगी ये ऐसे. नाउ अब देखो ये रीजन यहाँ से यहाँ तक जो ये रीजन आ गया, ये रीजन जो आएगा ये हो गया इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू. यानी अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में लाई करता है, अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में कहीं पर लाई करता है, he will be able or he or she will be able to visualize this image. जो observer यहाँ पे होगा, अगर for example observer यहाँ पे है, अगर observer यहाँ पे lie करता है, इसके लिए ये visible नहीं होगी. अगर observer यहाँ पे है, अगर observer यहाँ पर है, इसके लिए ये visible नहीं होगी. हाँ, लेकिन जो यहाँ पर observer होगा कहीं पर in between these two lines, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर इधर होगा, कहीं पर होगा in between these two lines, इन दो लाइंस के बीच में कहीं पर भी आएगा, तो उनके लिए ये विजिबल रहेगी. सो इमेज विल बी विजिबल फॉर दिस, इसके लिए विजिबल होगा. सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एनी इमेज. सो ये हो गया इसके लिए. नाउ अभी हम कल हमने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे रिगार्डिंग द वेलोसिटीज, रिगार्डिंग द पोजिशन, अभी हम उसी पे अभी कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज. नाउ यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा. पहले हम यहाँ पे करेंगे इमेज बाय द प्लेन मिरर ऑफ ए अननंबर्ड क्लॉक. लेट्स सपोज एक अननंबर्ड क्लॉक है आपके पास ऐसे, एक प्लेन मिरर है उसके सामने एक क्लॉक आप ऐसे रखते हो, इसके सामने ऐसे रखते हो. मान लीजिए ये एक मिरर है, मैंने ऐसे एक क्लॉक रखी हुई है और इस क्लॉक में अननंबर्ड नंबर्स है ऐसे, इसमें कोई नंबर मेंशन नहीं है, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11. तो अगर आपने यहाँ पर सपोज कभी ये ऐसे बनेगी, ये उसमें ये मिनट हैंड होगी और ये होगी आवर हैंड, तो अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ पर, ये तो ऐसे ही बनेगी, ये लेकिन ऐसे आएगी. तो यहाँ पे 3 बजे थे, यहाँ पे 3 टाइम था, 3 o'clock. यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखेंगे, क्योंकि आपके पास ये अननंबर्ड है, इट इज 12, 6, 3, 9, तो आपको लगेगा इमेज में हमें लगेगा 9 बज गए हैं, जो यहाँ पर 3 बज गए थे इन रियलिटी. तो जब हम इसकी इमेज देखेंगे हमें कितना दिखेगा वहाँ पे आपको इमेज में 9 बजे दिखेंगे. सो बिकॉज द इमेज इज लिटरली इनवर्टेड,
यहाँ पे लेटरल इन्वर्शन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप बेसिक ट्रिक आपको देता हूँ, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे ये टाइम, एक्चुअल टाइम अगर आपको दिया जाएगा तो इमेज में कितना टाइम शो करेगा वो अगर आपने बताना होगा वो कैसे करेंगे आप। देखो इसमें तीन केस आ सकते हैं, लेट सपोज टाइम शोन बाय क्लॉक, जो क्लॉक का टाइम है, टाइम शोन इन मिरर, जो मिरर में उसका टाइम दिखेगा आपको, एक अननंबर क्लॉक की हम बात करते हैं। सो लेट सपोज कभी ये होगा ऐसे एट इज टू जीरो जीरो इज टू जीरो, सिंपली जैसे तीन बज गए बराबर, दो बज गए होंगे, चार बज गए होंगे, छह बज गए होंगे, सात आठ नौ दस ग्यारह सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर ऐसी आ जाती है सिचुएशन तो उसमें आपने सिंपली क्या देखना है, टाइम विल बी इक्वल टू योर माइंस एच इज टू जीरो जीरो इज टू जीरो जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल पांच बज गए, अगर अननंबर क्लॉक पे कितना टाइम शो होता है इस पे, अगर एक्चुअल टाइम है पांच ऐसे, तो जो क्लॉक है वहां पे जो इमेज है, इमेज में हमें कितना टाइम इसका शो होगा, 12 माइनस h h इज 5, सो इट इज 7, क्लॉक में आपको 7 बज गए होंगे वहां पे, या इस केस में एक्चुअल टाइम क्या था 3, सो जो इमेज में दिखेगा इट विल बी 12 माइनस 3 दैट इज 9, जो यहाँ पे मेरे बोला 9 दिखेगा आपको। So, इसी तरह दूसरी सिचुएशन ऐसे हो सकती है, आवर्स इज टू मिनट्स इज टू जीरो जीरो, सपोज फॉर एग्जाम्पल 3:15 एग्जाम्पल 3:15 अगर हुए होंगे टाइम, तो जो मिरर इमेज है उसकी, जो मिरर इमेज में उसका टाइम लिखेगा वो होगा 11 minus h is to 60 minus m is to 00। सपोज 3:15 हो गए हैं, तो जो हम क्लॉक में देखेंगे इसको अननंबर क्लॉक, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो वहां पे क्या आएगा 11 माइनस h, h आवर्स कितने हैं 3, सो 11 minus 3 is 8 is 60 minus minutes कितने हैं 15, so it is 45 is to 00, ये आपको वहां पे टाइम लिखेगा। तो आप यहां पर विजुलाइज कर सकते हो, सपोज ये मिरर है, ये है 3:15, सो 3:15 ये है, थोड़ा सा आवर हैंड ऐसे आएगा और ये होगा मिनट हैंड, ये है यहां पे सपोज 4, ये 3, ये है 4, 3:15 ऐसे दिखेंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आवर हैंड 3 से थोड़ा सा आगे गया होगा, आवर हैंड 3 से थोड़ा सा आगे गया होगा, गॉड, सो दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। नाउ इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी इमेज लेटरल इन्वर्शन हो जाता है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे आएगी, ये है यहाँ पे 9, नीचे है यहाँ पे 8, तो इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज यहाँ पर ऐसे बनेगी। So therefore, जो आपको यहाँ पर ये 8 हो गए, our hand is at 8 onwards, so 8:45, so 8:45 आपको वहाँ पे क्लॉक में टाइम दिखेगा। तो ये दूसरा केस है। अब इसमें तीसरा केस ये पॉसिबल है, आवर्स भी होंगे, मिनट्स भी होंगे और सेकेंड्स भी होंगे, यानी उसमें तीनों क्लॉक, तीनों हैंड्स होंगे, आवर हैंड भी होगा, मिनट हैंड भी होगा और सेकेंड हैंड भी होगा। तो इसमें क्या होगा, सपोज मैं एग्जाम्पल लेके लेता हूँ, सपोज यही हम लेंगे 5:30 is to 45 seconds, 5:30:45 टाइम आपका शो करता है कौन सा, अननंबर्ड क्लॉक, जिसमें आवर हैंड भी है, मिनट हैंड भी और सेकंड हैंड भी है। तो इसमें जो आपने टाइम मिरर इमेज में दिखेगा वो क्या होगा, इट विल बी 11:11 minus h is to 59 minus m is to 60 minus s, जैसे ये टाइम है 5:30:45 सेकंड, आवर कितने हैं 5, सो 11 माइनस 5 इज 6,
is 59 minus 30, it's 29 is done. 45 minutes, 60 minus 45, so that's 15 seconds. तो ये आपको और है जो क्लॉक है उसकी जो इमेज आएगी उसकी जो इमेज है इमेज में ये टाइम आप रीड करेंगे. एक्चुअल टाइम ये होगा लेकिन उसकी इमेज जो है वो ये टाइम रीड करेगा. So this is the basic trick which you can utilize in determining the relation between the actual time and the time shown by the brain mirror. So अगर actual time hours में सीधे हैं तो वहाँ पे जो mirror image है उसमें time क्या read करेंगे आप 12 minus 8. अगर ये hours और minutes में है actual time तो यहाँ पे आप क्या read करेंगे 11 minus 8 is to 60 minus minutes. अगर एक्चुअल टाइम है आवर्स भी मिनट्स भी और सेकंड्स भी है तो उसका जो टाइम रीड करेगी क्लॉक में इट विल बी 11 माइनस एच 59 माइनस एम 60 माइनस एस. तो इस तरह से हम ये रिलेशन देखते हैं टाइम एक्चुअल टाइम और टाइम शोन बाय द मिरर इमेज. सो ये हम यहां पे करते हैं. नाउ इससे आगे हम पढ़ेंगे अब इमेज फॉर्मेशन पे भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे इजी देता हूँ आपको. सपोज ये एक वॉल है विच इज ऑफ हाइट एट हाइट ऑफ द वॉल इज एट. यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है और इसके सामने यहां पर एक मिरर है. ये आगे वाला दीवार है. ये एक रूम मान लीजिए आपने एक रूम लिया हुआ है. यहां पर ये आगे का दीवार है उस पर आपने एक मिरर लगाया हुआ है और इस मिरर की कोई यहाँ पे कोई साइज होगा यहाँ पे इस मिरर का. सो अब जो एक पर्सन बैठा हुआ है ये एक पर्सन है विच इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस मिरर या फ्रॉम द फ्रंट वॉल. फ्रंट वॉल से किस डिस्टेंस पे बैठा हुआ एक्स और जो उसके पीछे वाला वॉल है वो ऐसे है y डिस्टेंस पे. अब ऐसे लीजिए एक वॉल है एक रूम में आप बैठे हुए हो जैसे मैं बैठा हुआ हूं ऐसे. सो जो ये मोबाइल है मान लीजिए एक मिरर है या जो मेरे पास सामने ये कैमरा पड़ा हुआ है ये एक मिरर है. तो आप क्या करते हैं आई एम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस मिरर. मैं इस मिरर से किस डिस्टेंस पे हूं x डिस्टेंस पे हूं. और जो वॉल पीछे है मेरे पीछे जो वॉल है इट्स एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम मी. वो मुझसे किस डिस्टेंस पे है y डिस्टेंस पे है. तो मैं डायरेक्टली ऐसे अगर मैं देखूंगा इस वॉल को मुझे तो डायरेक्टली नहीं दिखेगा लेकिन मैं इसको इस मिरर में देख सकता हूं. मैं इस वॉल जो मेरे पीछे जो वॉल पड़ा हुआ है मैं इसको देख सकता हूं थ्रू मिरर. तो क्वेश्चन ऐसे है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर. व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर सो दैट कि जो पीछे मेरा ये वॉल है ये I will be able to see the full image of this wall behind me. So minimum size of the mirror required to see the full image of the wall behind me. जो मेरे पीछे ये वॉल है इसकी पूरी इमेज मैंने देखनी है इस मिरर में. तो आपने बोला मिनिमम साइज इस मिरर का क्या होना चाहिए. सो दैट इज मिनिमम साइज ऑफ द मिरर मिनिमम साइज ऑफ मिरर to see the full image of the wall behind. यह है ऑप्शन. देखो कंडीशन क्या है ये यहां पे इसके टॉप से एक रे आनी चाहिए वो इस मिरर को स्ट्राइक करेगी उसके बाद फॉल इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इसकी आई पे आ जाएगा ऑब्जर्वर की आई पे आ जाएगा तब ये इसको ये टॉप दिखेगा. अगर इसी तरह इसके बॉटम को देखना है तो इसके बॉटम से एक रे आनी चाहिए जो इसके इस मिरर पे स्ट्राइक होगी उससे रिफ्लेक्ट होगी ये जाएगी किस पे इस ऑब्जर्वर पे जाएगी तो ये इसको फिर देख सकता है. इस तरह से फुल इमेज वॉल ऑफ द वॉल देखेगा. हाँ अगर आपके पास मिरर इससे बड़ा भी है मिरर आपके पास फिर ये पोर्शन जो है ये अननेसेसरी पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है. हमारा काम खाली इस पोर्शन से ही बनेगा. तो यही मैंने निकालना है इसकी लेंथ क्या होगी ये डी सपोज डिस्टेंस डी
देखो अगर मैं ये ए लेता हूँ, ये मैं सपोज बी लेता हूँ, ये मैं सपोज सी लेता हूँ, तो अगर मैं इमेज फॉर्मेशन करूंगा, मैं लाइन ड्रा करूंगा फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी तक का मिरर, ऐसे जिस डिस्टेंस पे ये ए है फ्रॉम द मिरर उसी डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ए डैश जो ए की इमेज बनाएगा। इसी तरह बी से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा परपेंडिकुलर टू द मिरर, जिस डिस्टेंस पे है बी फ्रॉम द मिरर उसी डिस्टेंस पे एक बी डैश आएगा फ्रॉम द मिरर जहाँ बेस बी की इमेज बनेगी। इसी तरह जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी की मैंने इमेज देखनी है तो मैं ऐसी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा टू द मिरर, जिस डिस्टेंस पे है सी फ्रॉम द मिरर उसी डिस्टेंस पे सी डैश होगा फ्रॉम द मिरर, तो इस तरह से जो वॉल आएगा वॉल की इमेज ये बनेगी, इसी तरह इमेज आपको वॉल वो बनेगी इमेज वॉल। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री यूज करूंगा तो मैं सिंपल ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करता हूँ ऐसा, सो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट मैं यूज करता हूँ, सो मुझे फाइनली रिजल्ट यहाँ पे डी के लिए आएगा एच एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई, दिस इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल। सो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री, मैं जो ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करूंगा सिमिलर ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री तो मुझे फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर इज एच एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई। सो नाउ अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग एट द मिडल ऑफ रूम ऐसे खड़ा है तो फ्रंट वॉल पे आपने मिरर रखा हुआ है और उसको पीछे जो वॉल है वो देखना है, सो दैट मींस जितनी डिस्टेंस यहां फ्रंट वॉल पे होगी मिरर तक होगी वही डिस्टेंस फ्रॉम द बैक टू द बैक बैक वॉल तक होगी, यानी जो एक्स और वाई है उस केस में अगर ये ऑब्जर्वर एट द मिडल ऑफ द रूम है तो ये मान लीजिए फ्रंट वॉल है, सो अगर ऑब्जर्वर एट द मिडल है एक्स और वाई क्या होंगे इक्वल, तो उस केस में क्या आएगा, सो दैट इज इसमें आएगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई, तो उस केस में जो साइज ऑफ द मिरर आएगा सो डी मिनिमम इट विल बी इक्वल एच एक्स डिवाइडेड बाई शाबाश टू एक्स प्लस वाई, वाई के बदले भी आप क्या लिखेंगे एक्स, सो इट इज एच एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स, एक्स एक्स कैंसिल इट इज एच बाई थ्री, दैट मींस इस केस में जो साइज ऑफ द मिरर होगा मिनिमम साइज ऑफ द मिरर दैट विल बी 1 बाई थ्री ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द वॉल, लेट सपोज ये वॉल जो यहां पर है अगर इस वॉल की जो हाइट है लेट सपोज इसकी हाइट है 9 मीटर्स, अगर इसकी हाइट जो है वो 9 मीटर्स है, एक पर्सन कहां पे बैठा हुआ है, मैं यहां पे एट द मिडल ऑफ द रूम बैठा हुआ हूं ऐसे, सो मिरर फ्रंट वॉल पे लगा हुआ है, सो मुझे पता है उस वॉल पे उस फ्रंट वॉल पे मिरर मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए ऐसे, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ दिस वॉल, इस वॉल की ताकि मैं पूरी इमेज देखूं, तो उसके लिए ये है कि अगर इसकी हाइट थी 9 मीटर्स तो मिरर का साइज होना चाहिए 9/3 दैट इज 3 मीटर्स होना चाहिए मिरर का साइज, अगर मिरर का साइज मैं 3 मीटर्स रखता हूं हाइट ऐसे रखता हूं 3 मीटर तो मुझे इसकी पूरी हाइट दिखेगी। इसी तरह अगर इसका ऐसे अगर इसकी इसका साइज ऐसे है 12 मीटर्स अगर इस तरह इसका साइज है 12 मीटर्स तो जो यहाँ पे ब्रेड्थ और जो विड्थ ऑफ द मिरर होनी चाहिए ऐसे दैट शुड बी एच बाई थ्री, सो दैट इज 12 अगर ये ऐसे हैं तो इट शुड बी 12/3 दैट इज 4 मीटर्स होना चाहिए, सो दैट मीन्स अगर आप मिरर का साइज क्या रखेंगे 3 मीटर ऐसे रखेंगे और 4 मीटर आप ऐसे रखेंगे तो आपको कंप्लीट इमेज उस वॉल की दिखेगी जो आपके पीछे है। So, if the person is standing at the middle of the room, अब इस रिजल्ट में एक दो क्वेश्चन और भी निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑब्जर्वर,
मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लीजिए मैं एक ऑब्जर्वर हूं ऐसे, अब यहां पे मैंने बोलना है कि मेरे मिनिमम लेंथ एक मिरर की कितनी होनी चाहिए ताकि मैं उसमें खुद को पूरा देख सकूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक मिरर लगाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उस मिरर में अपनी पूरी इमेज देखूं फ्रॉम द टॉप टू द हेड, तो मैं पूरी इमेज उसमें देखना चाहता हूं, तो मैंने बोलना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, उस मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। देखो मैं इस रिजल्ट को इसी से आप डिराइव कर सकता हूं, मैं इसी रिजल्ट से ये भी डिराइव करूंगा। देखो कैसे, अगर मैं ये वॉल जो है इसको मैं आगे ले आऊंगा ऐसे 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 आगे ले आऊंगा, इसको मैंने ऑब्जर्वर पे लाया है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, मैंने क्या किया, मैंने वो जो पीछे वॉल था मैंने इसको अपनी अपनी तरफ लाया है और अल्टीमेटली मैंने इसको कहां पे रखा, जहां पर मैं हूं वहीं पर मैंने इसको रखा है। सो दैट मींस ये वाई जो है यहां पे वाई कितना बना, जीरो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस वॉल को थोड़ा कम करूंगा ताकि जितनी हाइट मेरी है, जितनी हाइट मेरी है उतनी हाइट इस वॉल की होगी। अब जो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ दैट वॉल होगी, वही होगा ना यहाँ पे साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी माय ओन इमेज। सो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इस मिरर को आगे लाया है ऐसे 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 आगे और आगे लाया और आगे लाया और लाया मैंने यहाँ पर। फिर क्या किया मैंने इसको ऊपर से ऐसे थोड़ा सा मैंने इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस किया और कंप्रेस किया ताकि वो कहां पे आ गया, मेरी हाइट पे आ गया। तो नाउ द साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे जो वॉल है वो ऑलरेडी कहां पे आ गया, वो मेरे पास ही आ गया है, वो वॉल यहीं पर आ गया है। जो यहां पर साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज ऑफ दैट वॉल होगा, वही होगा साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी माय ओन इमेज, मेरी कंप्लीट इमेज भी उसी मिरर से दिखेगी। So that means simply हम यही result use करेंगे, उसमें simply हम क्या substitute करेंगे y को zero और height of the wall जो है इसको हम replace करेंगे height of the observer। जरा मुझे बता यहाँ पे result क्या आएगा, d will be equal to शाबाश h height of the observer, h o o equal है height of observer x divided by 2x plus zero, क्योंकि y उस केस में क्या बनेगा, zero बनेगा, तो x और x क्या होगा cancel, जो x डिवाइडेड बाय 2x, x और x कैंसिल हो गए, इट इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर बाय 2। सो अब आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि अगर आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी होगी मिरर में, तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर शुड बी इक्वल टू हाफ योर हाइट। अगर आपकी हाइट है सपोज 5 फीट, तो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 फीट। अगर आपकी हाइट है 6 फीट, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 3 फीट। So, इसी तरह अगर आपकी विड्थ है 1 फीट, तो जो विड्थ आपके मिरर होनी चाहिए शुड बी 6 इंच हाफ फीट। अगर आपका आपकी विड्थ जो है अगर वो 2 फीट है, तो जो इमेज का वहां पे मिरर का जो विड्थ होनी चाहिए इट शुड बी 1 फीट। सो दैट मींस अगर आपने घर में ऐसे ही एक मिरर लगाना होगा सो दैट कि आप अपनी कंप्लीट इमेज उसमें देखेंगे, तो आप क्या करोगे, घर में जो सबसे लंबा होगा इंसान, जो सबसे लंबा मेंबर होगा फैमिली का, पहले आप उसका वहां पे मेजरमेंट लेंगे, सपोज उसकी हाइट आ गई 6 मीटर, तो जो हाइट ऑफ द मिरर होनी चाहिए इट शुड बी 3 मीटर। सो उससे क्या होगा, सॉरी 6 फीट अगर उसकी हाइट है, तो हाइट ऑफ द मिरर शुड बी 3 फीट, तो बाकी जो है वो उसी हाइट में एडजस्ट हो जाएंगे। उसी तरह फिर आपने उसकी विड्थ देखनी है, तो घर में आप देखेंगे सबसे मोटा कौन सा होता है, जो सबसे मोटा इंसान घर में है आप उसको वहां पे मेजर करेंगे, उसका आप मेजरमेंट लेंगे। लेट्स सपोज उसकी विड्थ जो है वो है 2 फीट, तो फिर वहां पे आप जो मिरर की विड्थ रखेंगे वो कितने रखेंगे आप, 1 फीट। सो दैट मीन्स 1 फीट आप वहां पे विड्थ रखेंगे मिरर की और हाइट आप रखेंगे 3 फीट, उसमें आपको कंप्लीट इमेज दिखेगी सारे पर्सन की जो भी आपकी फैमिली में होते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दिस कंसेप्ट एट अवर होम्स। नाउ ये हो गया ऐसे, अब इसमें लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ये है कि पोजिशनिंग ऑफ द मिरर, इस मिरर को आप कैसे पोजिशन करेंगे। देखो इस मिरर को आपने कैसे पोजिशन करना है, अगर हमने ये देखना है कि मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी वन्स फुल इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आप इस मिरर को फिर कैसे प्लेस करेंगे। देखो इस मिरर को आपने कैसे प्लेस करना है, हमेशा याद रखिएगा, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जर्वर है, यहां पर एक मिरर है, एक मिरर है, सपोज ये मिरर मैंने रखा है h by 2 साइज का, ये यहां पे ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्वर ऐसे हैं, ऑब्जर्वर की हाइट ये है, सपोज ऑब्जर्वर की आंख ये है, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यहां पर आई। देखो जो आई के ऊपर वाला पोर्शन है, आई के ऊपर वाला पोर्शन जो ये पोर्शन है, इसको अगर मैंने देखना है तो मिनिमम साइज क्या होना चाहिए मिरर का, इसका हाफ होना चाहिए। इस तरह जो लोअर पोर्शन है, आई के नीचे जो पोर्शन है, अगर मैंने इसको देखना होगा तो उसका मिरर का साइज कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द साइज। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप मिरर को कहां पे ले आओगे, आप मिरर को ले आएंगे यहां पे हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। ये जो यहां से यहां तक, अगर ये सपोज एच है, अगर ये यहां से यहां तक है एक्स सपोज, तो आप मिरर को यहां पे लेंगे फ्रॉम द ग्राउंड तो हाइट एक्स बाई टू, एक्स बाई टू हाइट पे लेंगे आप मिरर को। सो दैट मींस अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आपकी हाइट जो है इट वाज 200 सेंटीमीटर, सपोज आपकी हाइट थी, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 200 मीटर, सो व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी हिज फुल इमेज। So that means height and length of the mirror it should be 100 centimeter. अब इसमें साथ साथ में ये क्वेश्चन भी आता है कि at what height above the earth's surface or at what height above the ground the mirror should be placed so as to visualize the complete image of the observer. तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पहले उसकी आई कहां पर है, सपोज उसकी आई जो थी, वो आई जो थी इट वॉज एट 190 सेंटीमीटर अबोव अर्थ, I was at 190 centimeter above the ground, 190 centimeter. तो आप क्या लेंगे, इसका half आप करेंगे, 190 का half that's 85. तो आप पहले में लेंगे 85 centimeter above the earth surface, 85 centimeter. हो गया 85 centimeter. तो फिर आप लेंगे 85 यहाँ तक आ जाएंगे, हो गया वो 190. फिर उसके बाद आएंगे 5 centimeter. जो आपके ये 10 centimeter है, इसको देखने के लिए हमें 5 centimeter की ज़रूरत पड़ेगी. So it's in short आप ऐसे याद रखेंगे, the minimum size of the mirror required to see one's full image is h by 2, और किस height पे उसको लेना है, तो the height, half the height of the observer below his eyes, जो उसकी eyes है उससे नीचे जो height है उसकी, उसका half आपने करना है, उस height पे आपने लेना है किसको, mirror को। So इसमें आप एक object भी लिखिया, हम एक ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, सपोज व्हाट इज द मिनिमम साइज, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन ऑफ हाइट 180 centimeter to see his complete image. If his eyes are at a height 170 centimeter from the ground. What height of the ground mirror should be placed. देखो एक पर्सन है, उसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, आपने बोलना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द मिरर टू सी हिज फुल इमेज। सो हमने पता है हाइट ऑफ द मिरर, द मिरर इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, दैट 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड टू दैट इज 90 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने दूसरा लेना है कि टू व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट कि वो अपनी इमेज जो है कंप्लीटली देख सके। तो उसके लिए मैंने ये भी बोलना है, आप क्या करेंगे, जो उसकी हाइट होगी अबोव द ग्राउंड बिलो द आईज,
आई से सरफेस तक, आई से ग्राउंड तक उसकी जो हाइट आएगी वो कितनी है, हिज आईज आर एट अ हाइट ऑफ 170 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से उसकी आईज जो है वो किस हाइट पे है, 170 सेंटीमीटर पे है, तो आप इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना आएगा, 170/2, सो दैट इज अराउंड शबश इट इज हाइट h इज इक्वल 170/2, तो इट आर 1685 cm, so that means the mirror should be placed at a height of 85 cm above the ground. जब आप 85 cm पे उसको रखेंगे, उसके बाद जो उसकी height आएगी 90 cm, उसमें आप completely अपनी image देखेंगे. So this is how we can approach to such questions. तो ऐसे questions को हम ऐसे approach करेंगे. So now अब यहाँ पर है regarding the velocities, velocities के related यहाँ पे है questions, तो वो हम करेंगे. सपोज ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट अप्रोच द मिरर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल 2 m/s. अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज, जो इसकी इमेज है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो दैट मींस i, ये ऐसे आएगा v i आपने निकाला है. तो कल आपने देखा था ये vi in this case, in this case when the object is at, when the mirror is at rest, velocity of object is equal to velocity of image but in opposite directions, और आपने पता है vim is equal to minus vom, perpendicular direction, perpendicular direction, so vi minus vm is equal to minus vo minus vm, vi is equal minus vm is 0 minus vo, vo कितना है 2 minus 0, so it is 2 m/s, so vi is equal to 2 m/s minus, negative sign means it moves opposite to the object. अब इसी तरह दूसरा question है, इसी के related दूसरा question है, object यहाँ पर है, object at rest, mirror जा रहा है ऐसे with velocity suppose 3 m/s, आपने velocity of image बतानी है, let's put ये image है, इसकी velocity आपने बतानी है, so हमने simply इस तरह से बताया vi minus vm is equal minus vo minus vm, vi minus vm, let's take this direction to be positive, मैं इस direction को positive ही choose करूँगा, velocity of mirror is 3 m/s, 3 m/s is equal minus vo rest पे minus 3 m/s, minus में बना plus 3, ये minus 3 इस side में बनेगा plus 3, so vi is equal 6 m/s, same direction positive plus 6 m, plus 6 m is ऐसे, velocity of image will be 6 m/s, same direction में जिस direction में मिरर जा रहा था, so तीसरा केस है इसमें, तीसरा केस है सपोज ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वीओ इज इक्वल टू 2 m/s, मिरर आ रहा है ऐसे विद वेलोसिटी वीएम इज इक्वल सपोज 3 m/s, तो आपने बोलना है यहां पे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो फिर से आप यही रिजल्ट यूज करेंगे, वी आई माइनस वीएम इज इक्वल minus times vo minus v, कल हमने ये रिजल्ट लिखा था, हम यूज कर रहे हैं इसको, vi minus vm, let's take this direction to be positive, तो ये direction फिर क्या आएगा, negative, so vm आएगा फिर minus 3, क्योंकि ये direction हमने choose किया positive, तो ये आएगा फिर क्या, negative, तो मेरा इसी direction में आ रहा है, तो minus 3 m/s is equal minus
VO it is 2 minus VM is minus 3. तो देखिए क्या है, VR plus 3 meter per second is equal to शबाश minus minus plus plus 3 2 हो गया 5 minus 5. So implies VR is equal to minus 5 minus 3 हो गया minus 8 meter per second. Minus 8 means कौन सी direction, negative direction. अगर ये positive थी तो let's suppose image यहाँ पर बन रही थी इसकी image, तो ये इस direction negative direction में आएगा, VR will be 8 meter per second. ये होगी इमेज की विलासिता. सो इस तरह आई होप कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. ये बेसिक्स हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं. तो अब इसके बाद है, अब मेरा राय से है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विलासिटी 2 मीटर पर सेकंड. तो आपने बोलिए विलासिता की इमेज क्या होगी, इमेज ऐसे बनेगी इसकी ऐसे. सो आपने पता है इस केस में विलासिटी ऑफ इमेज अलोंग पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल velocity of object along parallel direction. इसमें direct ये result हम use करते हैं parallel direction के लिए. So that means velocity of image will be again 2 meter per second. Same direction. तो अगर ये ऐसे जा रहा था object parallel to the mirror surface, अगर suppose object ऐसे जा रहा है velocity 2 meter 3 meter per second, तो image जो आएगी image भी इसी direction में जाएगी with 3 meter per second. इसमें कोई change नहीं है. Now दूसरा case इसका, अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, VO इज इक्वल टू 0, मिरर ऐसे है, मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इट विल बी अगेन 0. क्योंकि कल आपने देखा था यहां पे जब हम मिरर को मूव करते हैं अलोंग इट्स सरफेस, जो उसकी इमेज है वो अनइफेक्टेड रहती है. वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी, इमेज की क्या स्पीड होगी, सो VR will be equal to VO, that is 2 meter per second. ऑब्जेक्ट अब ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी सपोज 6 मीटर पर सेकंड, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यहां पे बनाता है, तो आपने वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है. वेलोसिटी ऑफ इमेज, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम कैसे करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, इस वेलोसिटी को हम स्प्लिट करेंगे 2 कंपोनेंट्स में. एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द मिरर, दूसरा आएगा पैरेलल टू. So let's put V O perpendicular. V O perpendicular. Yeah, either V O parallel. V O perpendicular, V O parallel. अब मुझे बताइए V O perpendicular कितना होगा? It is simply V cos of 30. So it is 6 cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So it is 3 root 3 meter per second. Similarly, velocity of image, sorry, object along parallel direction. It is V sine 30. So it is 6 sine 30. So 6 into sine 30 is 1 by 2. So it is 6 by 2, that is 3 meter per second. चले, तो ये हो गया यहां तक हमने जो components निकाले हैं. अब हमने velocity of image निकाले. Mirror is at rest. VM is equal to 0. मिरर इज एट रेस्ट, तो आप अलग अलग लेंगे आप दोनों केस के लिए. तो हमने पता है परपेंडिकुलर केस में, परपेंडिकुलर केस में व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, जब मिरर रेस्ट पे होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आता है विद वेलोसिटी v, इमेज आती है अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2v, सेम वेलोसिटी, सॉरी, विद सेम वेलोसिटी v, सो vi परपेंडिकुलर. नाउ vi परपेंडिकुलर
ये हम ये रिजल्ट लिखेंगे माइनस वी एम परपेंडिकुलर इज इक्वल माइनस टाइम्स वी ओ परपेंडिकुलर माइनस वी एम परपेंडिकुलर। ये रिजल्ट जो आर एम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं वी आर माइनस वी एम इज इक्वल माइनस टाइम्स वी ओ माइनस वी एम, यही रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूँ। नाउ वी आर परपेंडिकुलर माइनस इट इज जीरो माइनस वी ओ परपेंडिकुलर इज थ्री रूट थ्री माइनस जीरो दैट इज थ्री रूट थ्री, सो दैट इज वी आई परपेंडिकुलर इज थ्री रूट माइनस थ्री रूट थ्री मीटर पर सेकंड। माइनस मीन्स अगर ये यहां पर था इमेज तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा थ्री रूट थ्री। अब पैरेलल डायरेक्शन में आपने पता है वो सेम रहेगा, जितना वी आई पैरेलल आएगा किसके बराबर है बीओ पैरेलल के बराबर दैट इज बीओ पैरेलल एंड दैट इज इक्वल टू वो कितना आया था 3 मीटर पर सेकंड। तो ये दो कंपोनेंट्स होंगे वहां पे ग्लास के इमेज में, तो इस डायरेक्शन में होगा 3 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में होगा 3/3 आ जाएगा, तो वहां पर भी 6 ही आएगा, इसी डायरेक्शन में 6 आ जाएगा नेट रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे इट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। So, इस तरह से आप इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो नाउ आई विल गिव अनदर क्वेश्चन। सपोज ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल सपोज थीटा सरफेस ऑफ मिरर के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, तो आपने वेलोसिटी ऑफ इमेज बनाना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इस डायरेक्शन में होगा वी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में होगा वी साइन थीटा। अब आपने पता है अगर मिरर जाता है अलॉन्ग इट्स सरफेस तो उसकी वजह से इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, सो दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग इट्स सरफेस वो जीरो ही होगा। अब खाली कौन सा कंपोनेंट है, वी साइन थीटा। अगर मिरर जा रहा है ऊपर विद वेलोसिटी वी साइन थीटा ऑब्जेक्ट की तरफ, सो अब हम फिर से वही रिजल्ट यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर टू द मिरर है ये सर डायरेक्शन, सो दैट मींस वी आई माइनस वी एम इज इक्वल माइनस टाइम वी ओ माइनस वी एम। vi मैंने निकालना है माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन v sin थीटा, सो v sin थीटा माइनस vo इट इज जीरो माइनस vm इज v sin थीटा, इट इज माइनस माइनस प्लस v sin थीटा, ये माइनस v sin थीटा ऊपर प्लस v sin थीटा, सो vi विल बी इक्वल टू 2 v sin थीटा। और किस डायरेक्शन में जाएगा अलॉन्ग डायरेक्शन में रहने दे, इमेज जो आएगी इमेज यहाँ पे जो बनेगी इमेज वो ऊपर जाएगी विद टू बी साइन इस डायरेक्शन में स्पीड हो। सो दिस आर अबाउट दीज वेलोसिटीज, आई होप कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो वेलोसिटीज पे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, हम आगे जाएंगे, तो लेट्स सपोज अब हम कैलकुलेट करेंगे डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इन वन रिफ्लेक्शन, अगर एक रिफ्लेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे तो उसमें कितनी डिविएशन प्रोड्यूस हो जाती है। Deviation produced by a mirror. Suppose ये एक मिरर आप लेते हो ऐसे प्लेन मिरर, ये आगे यहाँ पे नॉर्मल है यहाँ पे, अब आप इंसिडेंट रे इसमें डालते हो ऐसे इंसिडेंट रे आप लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो मैंने पता है यहाँ पर इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रे, लेकिन यहाँ पे रिफ्लैक्ट होगी ऐसे निकलेगी, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी कितना होगा आई, तो ये एक्चुअल पाथ ये थी फाइनल पाथ इसने लेकिन ये ट्रेवल की है, दिस एंगल इज व्हाट वी कॉल डिविएशन दैट, सो द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ एंड द फाइनल पाथ दैट्स व्हाट वी कॉल डिविएशन। सो इसमें क्लियरली आप देख सकते हो आई प्लस डेल्टा में 2i प्लस डेल्टा कितना आएगा 180 पाई, तो डाटा कितना आएगा पाई माइनस 2।
deviation produced by this mirror is pi minus 2i. So this is deviation produced by a plane mirror. Now इसके बाद क्या है कि यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, दैट इज जब हम मिरर को रोटेट करते हैं बाय सम एंगुलर स्पीड और बाय सम एंगल, या हम इंसिडेंट रे को हम यहाँ पे रोटेट करते हैं बाय सम एंगल और एंगुलर स्पीड, तो अकॉर्डिंग हमें रिफ्रैक्टिव रे पे इफेक्ट देखना है. सो पहला केस हम लेंगे यहाँ पे, यह प्लेन मिरर इंसिडेंट रे है, यह नॉर्मल, यह रिफ्रैक्टेड रे. अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हो बाय थीटा, इंसिडेंट रे को आप कितना रोटेट करते हो बाय थीटा, तो आपने पता है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां से ऐसे हम निकलेगी, ये एंगल भी यहां से यहां तक कितना आएगा थीटा, ये भी थीटा आएगा. अगर आप इसको ऐसे लेगा, दैट मींस अगर आपने इसको क्लॉकवाइज लिया है ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आती है रिफ्लेक्टेड रे में. सो पहला केस इसमें यही है. सो इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो रोटेटेड बाय थीटा बट इन अपोजिट सेंस. दैट मींस अगर आपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज लिया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी. अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में ऐसे थीटा लिया है तो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में ऐसे थीटा आएगी, यानी अगर आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया था रोटेशन इंसिडेंट रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज रोटेशन लेती है. सो दैट मींस पहला केस है इसमें मिरर इज फिक्स्ड, मिरर इज फिक्स्ड. इफ द इंसिडेंट रे rotated by theta, then the refracted ray also rotates by theta. Similarly, अगर इसकी angular speed omega है, अगर इसकी angular speed omega है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन बी ओमेगा, क्योंकि यहां पे हमने पता है जो थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आई. अगर हम डिफरेंशिएशन दोनों तरफ से करेंगे, सो डी थीटा बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड. सो दैट मींस सिमिलरली ओमेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इज इक्वल ओमेगा इंसिडेंट. इस केस में द मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे is rotated with angular speed omega, so reflected ray is again rotated by angular speed omega. So, or agar hum mirror ko rotate karte hain by angular displacement theta, sorry, incident ray ko agar aap angular displacement theta dete ho, to reflected ray mein bhi angular displacement theta aata hai. Ye ho gaya ek case. Ab dusra case hai yahan pe, jahan par hum mirror ko hi rotate karenge. Jahan mirror ko rotate karenge. So that means, यह है यहां पे मिरर, इसमें मिरर में दो रोटेशंस आएंगी. एक रोटेशन आएगी ऐसे, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है द मिरर, तो मिरर को आप रोटेट करते हो अबाउट इट इज नॉर्मल ऐसे. इस रोटेशन पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो अगर आपकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, सपोज इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, ये नॉर्मल है, ये चाक, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे अगर आप मिरर को अबाउट दिस नॉर्मल ऐसे रोटेट करोगे तो आपकी इंसिडेंट रे ऐसे ही रहेगी. सो दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड ही रहेगा, तो वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फिक्स्ड, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फिक्स रहेगा. सो दैट मीन उस केस में रिफ्लेक्टेड रे पे कोई असर ही नहीं होगा. लेकिन अब हम क्या लेते हैं रोटेशन, अब हम रोटेशन लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. ये है नॉर्मल है, मैं इंसिडेंट रे ऐसे ही स्पेंस करता हूं अलोंग द नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से निकलेगी. सो इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे वहीं से आएगी. सो इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इंसिडेंट रे भी वहीं से और रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से. नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं इस मिरर को अब रोटेशन दूंगा थीटा. मैं मिरर को कितनी रोटेशन देता हूं थीटा, मैं इसको ऐसे दूंगा बाय एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यानी ये ऐसे आया, ये मैंने थीटा लिया है, ये अब मेरा आएगा हमारा अपर रोटेशन। तो नॉर्मल भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वो भी कितना शिफ्ट होगा, जितना मेरा यहाँ से थीटा शिफ्ट हो गया तो नॉर्मल भी शिफ्ट होगा थीटा। जरा आप देखिए, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, सो इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, अबाउट द नॉर्मल द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। सो अब देखो यहां पे इंसिडेंट रे अपनी जगह पर फिक्स्ड है, अब नॉर्मल इधर से है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया थीटा, तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी, ये जाएगा यहां पर, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये होगी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे थी, ये अपनी फाइनल रिफ्लेक्टेड। सो दैट मींस अब सर देखो, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे यहां से थी, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रही है, व्हाट इज एंगल बिटवीन द टू, इंसिडेंट इनिशियल और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल आ गया 2 थीटा। So that means, जब आप मिरर को रोटेट करते हो भाई थीटा, जब आप मिरर को रोटेट करते हो भाई थीटा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होती है भाई 2 थीटा। So that means, if the mirror is rotated by theta, the reflected ray is rotated by 2 theta. Similarly with angular speeds. अगर एंगुलर स्पीड मिरर की है ओमेगा आर, रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर स्पीड होगी, अगर इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, चले इसमें सेम सेंस में आ गया, उसमें अपोजिट सेंस में था, इसमें देखो यहां पर आपने मिरर को ऐसे लिया था और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में आप रोटेट हो रही है, दैट इज सेम सेंस में आप रोटेशन आ रही है, जिस डायरेक्शन में आप मिरर को लेते हो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में जाती है। So, पिछला केस जो हमने लिया था जहां पे हमने मिरर फिक्स किया था, जब हम इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज लेते थे रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज आती थी, जब हम इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज लेते थे रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज आ जाती थी। सो लेकिन इस केस में है सेम डायरेक्शन, अगर आपने मिरर को लिया है एंटी क्लॉकवाइज रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप मिरर को लेंगे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हम करेंगे। नाउ अब देखो, अगर इसकी एंगुलर स्पीड थी ओमेगा, अगर मिरर की एंगुलर स्पीड थी ओमेगा, तो मुझे बताया रिफ्लेक्टेड रे की क्या आएगी फिर 2 ओमेगा, सो इट विल बी 2 ओमेगा मिरर, एंगुलर स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन दिस केस विल बी 2 द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिरर। सो इसमें मैं एक दो तीन क्वेश्चंस इसमें कराऊंगा आपको, बेसिक क्वेश्चंस है। सपोज पहला क्वेश्चन है यहां पे, आपकी जो इंसिडेंट रे है आपकी इट्स एट एन एंगल 30 डिग्री है, तो आपने यहां पे है क्वेश्चन है बाय व्हाट एंगल द मिरर बी रोटेटेड, शुड बी रोटेटेड get the reflected ray along the vertical direction. आपने बोलना है इस मिरर को आप किस एंगल से रोटेट करेंगे, आप इस मिरर को क्या रोटेशन देंगे, सो दैट की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से निकलेगी अलॉन्ग द वर्टिकल, वो ऐसे निकलेगी। तो देखो इनिशियली अगर हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा 30 डिग्री, या ये रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे आप कहां से चाहिए, मुझे ये रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे चाहिए, सो दैट मीन्स ये इतनी रोटेट होनी चाहिए, सो रिफ्लेक्टेड रे शुड बी रोटेटेड बाय 30 डिग्री। सो आपने बोला मिरर में कितनी रोटेशन आप देंगे, देखो आपने पता है जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट करते हो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाती है, तो दैट मींस मिरर को आपने इस डायरेक्शन में रोटेशन देनी है, आपने इस डायरेक्शन में मिरर को रोटेशन देनी है, कितना रोटेशन आप देंगे मिरर को, सपोज थीटा,
जब आप मिरर को रोटेशन देते हो थीटा, तो रिफ्लेक्टर रे में कितनी रोटेशन आती है? 2 थीटा. सो दैट मींस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री. तो जब आप इसको मिरर को रोटेशन देंगे थीटा, तो रिफ्लेक्टर रे में कितनी रोटेशन आती है? 2 थीटा. सो दैट मींस दैट 2 थीटा रोटेशन इट शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, ताकि मुझे रिफ्लेक्टर रे कहां से निकले? अलोंग द नॉर्मल. सो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे मिले ये रिफ्लेक्टर रे. सो दैट इज दैट 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 30, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 15. सो दैट मींस मिरर शुड बी रोटेटेड 15 डिग्री. किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इसी तरह कभी इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपका जो मिरर है ऐसे है, सपोज इंसिडेंट रे जो है ये बनाती है एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और 10 डिग्री विद द सरफेस, ये सरफेस के साथ 10 डिग्री बनाता है. तो आपने बोलना है बाय व्हाट एंगल द मिरर बी रोटेटेड, बाय व्हाट एंगल द मिरर बी रोटेटेड, सो दैट रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे आ जाए. सो देखो यहाँ पे अगर आप पहले देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो पहले केस में रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकली थी. तो अगर ये 10 डिग्री है, ये कितना होगा 80 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री. अगर ये 10 है तो ऊपर का कितना आएगा 80, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 80 डिग्री आएगा. तो अब क्वेश्चन है कि बाय व्हाट एंगल द मिरर बी रोटेटेड, सो दैट जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से निकलेगी? अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. सो दैट मींस ये यहां से निकलनी चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में निकलनी चाहिए. तो दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे शुड बी रोटेटेड बाय 80 डिग्री. सो अगर आप यहां पे देखते हो रोटेशन किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटीक्लॉकवाइज? एंटीक्लॉकवाइज, तो मिरर सॉरी क्लॉकवाइज, तो मिरर भी क्लॉकवाइज में ही जाना चाहिए. लेट्स सपोज मिरर को आप रोटेट करते हो बाय थीटा, मिरर को आप कितना रोटेट करते हो? थीटा. सो अब मैंने पता है जब मैं मिरर को रोटेट करूंगा थीटा, रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 थीटा. सो दैट 2 थीटा इट शुड बी इक्वल टू 80 डिग्री, ताकि ये जो आएगा वो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे वो कहां से निकलेगी? अलोंग द वर्टिकल. सो थीटा जो आएगा इट विल बी 40 डिग्री. दैट मींस द मिरर विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. ये 40 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, यानी ऐसे आ जाएगा at an angle of 40 degree with the surface. Surface के साथ ये कितना angle बनाएगा? 40 degree. जब 40 degree बनाएगा, तब जो incident ray यहाँ से जो आपने डाली है, वो उसके reflector ray along the vertical direction में देगा. So ये इस पे ऐसे questions आते हैं. So now इसमें कभी-कभी question ऐसे भी आ सकता है. सपोज मैं एक स्फीयर लेता हूँ, ऐसे स्फीयर के सेंटर पे मैं एक मिरर रखता हूँ प्लेन में, ऐसे ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर. इस स्फीयर का रेडियस है आर. अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक होल बनाता हूँ, इस होल के थ्रू लाइट रे आती है, ऐसे स्ट्राइक करते इस मिरर को. जब ये इस मिरर को यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करेगा इस सरफेस को, स्फीयर की सरफेस को, स्फीयर की सरफेस को यहाँ पर स्ट्राइक करेगा. तो यहाँ पर एक लाइट स्पॉट बनेगा, इस जगह पे एक लाइट स्पॉट बनेगा. नाउ मैं क्या करता हूँ, अगर ये मिरर जो है इफ इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, अगर ये मिरर आप एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करता है, तो आपने बोलना है जो यहाँ पर लाइट स्पॉट आएगा, देखो जो ये मिरर आप नीचे लाएंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, ये ऐसे लाइट स्पॉट ऐसे आ जाएगा, लाइट स्पॉट ऐसे आ जाएगा. तो आपने बोलना है इस लाइट स्पॉट की यहाँ पर लीनियर स्पीड क्या होगी. सो फाइंड द स्पीड, लीनियर स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट स्पॉट. On the surface of the sphere, if the mirror is rotated by 90 degrees. देखो मैंने पता है relation between linear speed and angular speed. आपने पता है ये लाइट स्पॉट यहाँ पे ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ऐसे एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. सो सर्कुलर पाथ के लिए मुझे पता है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, बी इज इक्वल टू ओमेगा आर, आर ओमेगा, और आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल.
और ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे जो वी आएगा शाबाश, व्हाट इज द, अगर अगर मिरर की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, अगर मिरर की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, सो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, 2 ओमेगा। तो जो यहाँ पे लाइट स्पॉट बनता है, लाइट स्पॉट किसकी वजह से बनता है, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनता है। सो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से लाइट स्पॉट बनता है, इसलिए इस लाइट स्पॉट की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, 2 ओमेगा। इस लाइट स्पॉट की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, 2 ओमेगा। इट इज एज कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इसकी एंगुलर स्पीड है 2 ओमेगा, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है विद एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा। तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, इट विल बी रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड, सो रेडियस है आर, एंगुलर स्पीड कितनी है, 2 ओमेगा आर। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो इस केस में जो यहाँ पे लाइट स्पॉट बनता है, ये लाइट स्पॉट किसका होता है, रिफ्लेक्टेड रे का होता है। अगर मिरर की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो उस रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर स्पीड बनेगी 2 ओमेगा। तो यहाँ पे जो लीनियर स्पीड आएगी, इट विल बी 2 ओमेगा इनटू रेडियस, सो इट इज 2 ओमेगा। दिस विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट। सो इसी तरह इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो ये एक पॉइंट आपने लिया है यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ से आप इंसिडेंट रे इस पे इंसिडेंट करके, तो ये नॉर्मल आएगा यहाँ पे, सो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलेगी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जाएगी, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। नाउ ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये है एस, या सपोज इट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, सपोज इट इज जेड, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द वॉल इज जेड, ये जेड कांस्टेंट रहेगा। अब देखो इंसिडेंट रे आप फिक्स करते हो, फिक्स, अब हम क्या करते हैं, हम इस मिरर को रोटेट करते हैं ऐसे विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, हम इसको नीचे ला रहे हैं किस एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। तो हम मुझे बता दें यहाँ पे अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से नीचे आएगा, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे भी नीचे आएगी ऐसे, तो कंटिन्यूअसली ये यहाँ पे लाइट स्पॉट्स यहाँ पे ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे लाइट स्पॉट्स ऐसे। सो दैट मीन जब ये रिफ्लेक्टेड रे नीचे आएगी ऐसे, ये क्या फॉलो करेगा, इट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा यहाँ पर। तो आपने बोलना है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट लाइट स्पॉट, सो फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मुझे पता है स्पीड किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स सपोज ये यहाँ से यहाँ तक आता है एक्स डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और लेट्स अस्सुम दिस एंगल थीटा, ये मैं एंगल थीटा लेता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली निकाल सकते हो टैन ऑफ थीटा इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिला एक्स, तो उसकी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपको मिलेगी यहाँ पे वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें tan थीटा कितना होगा, शाबाश, परपेंडिकुलर इज x बेस इज z, इट्स x / z, सो x कितना आएगा, z tan ऑफ थीटा। अब मुझे स्पीड चाहिए, अब मुझे पता है ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो मैं निकाल सकता हूँ ना स्पीड यहाँ पे, सो स्पीड विल बी इक्वल शाबाश dx / dt, इट इज d / dt ऑफ शाबाश z tan ऑफ थीटा, जड़ बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन थीटा इज सेक्स कैर थीटा इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन दैट इज डी थीटा बाय डी टी इज वी। नाउ अब देखो ये क्या आएगा, वी इज इक्वल जड़ सेक्स कैर थीटा इनटू डी थीटा बाय डी टी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, रिफ्लेक्टेड रे का,
ये ना ये थीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे करती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। आपने पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट विल बी एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ओमेगा आर। This is rate of change of angular displacement of the refracted ray, so it is omega r. लेकिन अब यहाँ पे हमें पता था angular speed of the mirror, angular speed of the mirror is omega, so angular speed of the refracted ray will be 2 omega. So इसके final answer जो हमारा आएगा b, b will be equal to 2 omega z sec square theta. This will be the speed of the light spot. अब यही question आता है, लेकिन वहाँ पे आता है question in terms of angular incidence. हमें कभी कभी क्या दिया जाता है, हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होता है, हमें ये थीटा गिवन नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिरर इज सपोज 9/π, 9/π एंगुलर स्पीड है, रेडियंस पर सेकंड, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, सो व्हाट इज द लाइट स्पॉट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट प्रोड्यूस्ड ऑन ए वर्टिकल वॉल व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपने यही रिजल्ट अब लिखना है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आप बता सकते हो क्लियरली, ये आएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो यहां पे आएगा, या ये एंगल, ये देखो थीटा के बदले आप लिख सकते हो यहां पे 90 माइनस आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा, सो अब हमें पता आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस आई, तो मैं इसमें वही सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो बी विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा जेड सेक स्क्वायर 90 माइनस आई, सो इट इज बी इज इक्वल टू 2 ओमेगा जेड, शाबाश, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इट इज कोसेक, कोसेक ऑफ आई। सो ये दो रिजल्ट्स आप याद रखें, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ glancing angle, this is in terms of angle of incidence. देखो अब इसमें question आएगा, if the a mirror is rotating with an angular speed of 9/π radians per second, 9/π radians per second, omega. It is the distance between the mirror, between the point of incidence on the mirror and the wall, z. It is suppose 2 meter. What will be the angular speed, sorry, what will be the speed of the light spot, what will be the light speed of the light spot on the wall when the angle of incidence is, find V when I is equal to 45 degree. So, हम easily इसको कर सकते हैं, हमने पता है V will be equal to 2 into omega, omega के बाद हम क्या लिखेंगे, 9/π radians per second, so फिर Z, Z हम यहाँ पे लेंगे 2 meter और cosec of 45 डिग्री, तो इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा। सो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लेन मिरर इन वन रिफ्लेक्शन। अब हम जाएंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम प्लेन मिरर्स, जहां पे हम प्लेन मिरर्स को एट सम एंगल्स लेते हैं या पैरेलल लेंगे, तो उस केस में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने करने हैं, उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हमने देखने हैं, सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक्स।